आप सोच कर देखिए कि कितना शर्मनाक है किसी भी टीम के लिए, किसी भी कोच के लिए और किसी भी देश के लिए। वही इनके कप्तान बाबर आजम तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अरे भाई, इतना फ्लॉप तो हमारे यहाँ तुषार कपूर भी नहीं होते जितना कि ये होगा। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में जिन टॉप चार टीमों के नाम लिए जाते थे उनमें से एक नाम पाकिस्तान का भी था, और आज वो चार टीमें जो शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगी उसमें एक नाम पाकिस्तान का भी आने लग पड़ा है। अब कल का ही मैच देख लो, पाकिस्तान वालों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने जमकर धोया, और धोया तो धोया कसकर निचोड़ा भी। सच मायनों में पाकिस्तान अब वो टीम नहीं रही, ना ही इसमें वो पहले वाली बात रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके ओपनर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में 1500 से भी ज्यादा डिलीवरीज खेलने के बाद एक छक्का तक नहीं मारा। गजब बेइज्जती है। आप सोच कर देखिए कि कितना शर्मनाक है किसी भी टीम के लिए, किसी भी कोच के लिए और किसी भी देश के लिए। वही इनके कप्तान बाबर आजम तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अरे भाई, इतना फ्लॉप तो हमारे यहाँ तुषार कपूर भी नहीं होते जितना कि ये होगा। और स्पिनर्स के आगे तो इनकी आगे से नीली और पीछे से पीली हो जाती है। यही वजह है कि बाबर आजम सबसे घटिया कप्तानों की लिस्ट पर टॉप पर पहुंच गए। अब चाहे तो पाकिस्तान वाले ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि चलो कहीं तो टॉप किया। वहीं एक आधा खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान वालों के लिए चल रहे थे, उसमें भी आपने क्रिकेट छोड़ मजहब घुसेड़ दिया। मतलब पाकिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट छोड़कर बाकी सब कुछ किया है, बस इसलिए पाकिस्तान वालों तुम्हारा ये हाल हुआ। दोस्तों, गेम में हार जीत लगी रहती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी खोल के ढोल है जो बड़ी बड़ी पेलते हैं, और जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं झेलते। लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तुमसे ना हो पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान वापसी कर पाएगा, या पाकिस्तान की सच में वापसी हो जाएगी घर की? कमेंट जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।